नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। आज हम आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित एलोरा की गुफाओं में लेके चल रहे हैं, तो आइए चलते हैं। ये गुफाएं औरंगाबाद मुख्य शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। आपको यहां आने के लिए औरंगाबाद से ही टैक्सी मिल जाएगी और लगभग 1500 से 2000 रुपए तक फेरी में टैक्सी आपको एलोरा की गुफाएं ले आएंगी और वापस औरंगाबाद भी ड्रॉप कर देंगी। तो आप एलोरा की गुफाएं आना चाहते हैं तो पहले आपको औरंगाबाद आना पड़ेगा और उसके बाद आप यहां से कैब टैक्सी करके एलोरा की गुफाएं देखने आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके टिकट के बारे में मैं आपको बता दूं, यहां आपको 40 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा अगर आप भारतीय पर्यटक हैं, और अगर आप भारतीय पर्यटक नहीं हैं तो आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपके पास मोबाइल रिकॉर्डिंग कैमरा है तो उसका 25 रुपये अलग से आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने अब टिकट कटा लिया है और एलोरा की गुफाओं की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, एलोरा की गुफाओं के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ तीन प्रकार की गुफाएं आपको देखने को मिलेगी। पहली गुफाएं महात्मा बुद्ध को समर्पित है, दूसरी गुफाएं हिंदू धर्म को समर्पित है और तीसरी गुफाएं जैन धर्म को समर्पित है। यहाँ कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं और उनमें से गुफा संख्या 1 से 12 तक महात्मा बुद्ध को, 13 से 29 तक हिंदू धर्म को और 30 से 34 तक जैन धर्म को समर्पित हैं। अभी जो मैं आपको गुफा दिखा रहा हूँ, ये गुफा नंबर 10 है और इन गुफाओं की विशेषता दोस्तों ये है कि इनके बाहर का दरवाज़ा बहुत छोटा है और जब इसके अंदर जाते हैं तो विशाल कमरा आपको देखने को मिलेगा और प्रत्येक कमरे में महात्मा बुद्ध सिंहासन पर बैठे हुए आपको देखने को मिलेंगे। ये गुफा नंबर 10 एक विशाल गुफा है और इसमें महात्मा बुद्ध की विशाल मूर्ति यहाँ पर चट्टान पर ही छेनी हथौड़े की सहायता से बनाई हुई है। दोस्तों, इन गुफाओं की विशेषता यही है कि इनके लिए कहीं भी बाहर से कोई मटेरियल नहीं आया है। इसी पहाड़ को काट कर और छेनी हथौड़ी की सहायता से मूर्तियों को बनाया गया है और जो भी अतिरिक्त मटेरियल बचा है उसे बाहर निकाला गया है। इन 34 गुफाओं में से महात्मा बुद्ध की गुफाएं ही सबसे प्राचीन हैं। गुफाओं की समय अवधि 3री शताब्दी से लगाकर 8वीं शताब्दी तक मानी जाती है। इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने किया है। दोस्तों, ये जो महल की आकृति आपको इस गुफा की दिखाई दे रही है, इसमें एक पहाड़ को काट कर उसमें छेनी हथौड़ी की सहायता से मूर्तियां अलंकृत हैं। मूर्तियां इतनी सुंदर हैं दोस्तों कि किसी भी एक मूर्ति को केवल मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रहें।
ये प्रथम वीडियो दोस्तों पार्ट वन के नाम से एलोरा की गुफाओं का मैं महात्मा बुद्ध की गुफाओं के लिए बना रहा हूँ, जो गुफा संख्या 1 से गुफा संख्या 12 तक हैं। इसके बाद मैं आपको हिंदू धर्म से संबंधित जो गुफाएं वहाँ पर मौजूद हैं, जो गुफा नंबर 13 से गुफा नंबर 29 तक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं को वो समर्पित गुफाएं हैं, तो उसके बारे में भी मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूं। अभी बात करते हैं इन गुफाओं की। 1983 में यूनेस्को ने इस क्षेत्र को विश्व विरासत की धरोहर सूची में शामिल कर लिया। दोस्तों, यहाँ के कारीगरों, यहाँ के शिल्पकारों की कला को देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता है। इस प्रकार की रचनाओं को इंग्लिश में मोनोलिथिक कहा जाता है, अर्थात एक पहाड़ के एक भाग को काटकर उसी से मंदिर को बना देना। इन गुफाओं के निर्माण में धैर्य और साहस का परिचय मिलता है, क्योंकि छेनी हथौड़े की सहायता से इस प्रकार की रचना अद्भुत है। ये गुफाएं किसी एक राजा की सोच न होकर पूरे राष्ट्रकूट वंश के लगभग 200 साल के इतिहास में बनी है। प्रत्येक राजा ने अपने अनुयायियों की इस रचना को आगे बढ़ाया है, इसी कारण इनका निर्माण संभव हो सका है। लगभग 200 साल तक इनका निर्माण चलता रहा। दोस्तों, एलोरा में केवल एक धर्म की गुफाएं न होकर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की गुफाएं मिलती हैं। इससे धार्मिक सहनशीलता का परिचय भी हमें इस स्थान पर देखने को मिलता है। ये गुफाएं दुनिया की कुछ एक प्रसिद्ध रॉकट गुफा मंदिरों में शामिल हैं। हालांकि इस स्थान पर छोटी मोटी मिलाकर लगभग 100 गुफाएं हैं, परंतु पर्यटकों के लिए 34 ही गुफाएं खोली गई हैं। 1 से 12 तक की बौद्ध गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा ही किया गया है। ये चट्टाने बेसाल्ट की चट्टाने हैं, जो कि औरंगाबाद के सह्याद्री पहाड़ियों का हिस्सा है। इन 12 बौद्ध गुफाओं में से गुफा संख्या 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है, अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति चट्टान पर उकेरी गई है। विश्वकर्मा गुफा को बड़ी गुफा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें चट्टानों को लकड़ी के तख्तों के रूप में काटा गया है। यह बौद्ध धर्म के एक प्रार्थना कक्ष के रूप में उकेरी गई है। बौद्ध गुफाओं में से गुफा संख्या 12 को 3 ताल गुफा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह गुफा 3 मंजिलों के रूप में बनी है और एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़े मठ के रूप में भी विकसित है। यह गुफा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ महात्मा बुद्ध के साथ साथ सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जो केवल मात्र इसी गुफा में देखने को मिलता है।
कुछ इतिहासकारों के अनुसार हिंदू गुफाएं बुद्ध गुफाओं से भी अधिक प्राचीन हैं और अपने अपने प्रकार से उसके साक्ष्य प्रस्तुत करने के भी प्रयास किए हैं। परंतु जो भी हो दोस्तों, ये गुफाएं अपने आप में बहुत ही सुंदर और एक असीम शांति देने वाला स्थान रही होंगी। गुफा संख्या एक के पास ही चट्टानों की पीछे की तरफ आपातकालीन रास्ता भी दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक स्थान पर बुद्ध गुफाओं में केंद्र में महात्मा बुद्ध को रखते हुए चारों तरफ उनके सेवक सेविकाएं, उनके भक्त और उनका राज दरबार जैसे सजा हो ऐसा प्रतीत होता है। जब मैं दोस्तों इन गुफाओं को देखने के लिए गया तो मैंने ऐसा अनुभव किया कि इतना अंदर गुफा में होने के बावजूद भी महात्मा बुद्ध के मुख पर प्रकाश अपने आप ही यहाँ पहुँच जाता है और अंदर अंधेरा होने के बावजूद भी महात्मा बुद्ध की मूर्ति पर उजाला रहता है और आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, बेसाल्ट की चट्टानों पर निर्मित ये बौद्ध गुफाएं बहुत ही शानदार स्थापत्य कला का उदाहरण है। दोस्तों, बौद्ध गुफा का ये वीडियो मैं आपके लिए पार्ट वन के रूप में बना रहा हूँ। अब मैं हिंदू गुफाओं का, जैन गुफाओं का और एक सेपरेट वीडियो एक कैलाश मंदिर का भी मैं बनाने वाला हूँ, ताकि आपको इस जगह की प्रत्येक जानकारी जुटा सकूँ। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा है, अच्छा लगा है, तो लाइक करके अप्रिशिएट ज़रूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सवाल किसी भी तरह के एलोरा गुफाओं से संबंधित हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगले पार्ट टू वीडियो में मैं आपके लिए हिंदू धर्म की गुफाओं के बारे में जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू।